एंड वेलकम अवर यूपीएससी एजुकेशन प्लस प्लेटफॉर्म बाय अक्षय। तो आज जो है हम डिस्कस करेंगे 2 मार्च का द हिंदू न्यूज़पेपर, जो कि किसी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम चलेंगे टेलीग्राम चैनल पर। तो ये अपना टेलीग्राम चैनल है जो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, आपको ज्वाइन करने से यहाँ पे आपको जो इम्पोर्टेंट पीडीएफ है, न्यूज़पेपर एंड जो एनालिसिस है वो मिलेगा, एंड जो यूपीएससी मटेरियल का जो इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं वो आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। सो आप फ्रेंड्स इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो अब जो है अपने चलेंगे अपने आज के न्यूज़पेपर पर। मैंने आज थोड़ा सा चेंज किया है। चेंज क्या किया है मैंने, मैं फुल न्यूज़ नहीं पढ़ाऊंगा बिकॉज ऐसे एक तो मैं पढ़ाता भी और ऊपर से व्यूज़ भी नहीं आते, कोई देखता भी नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा एडिटोरियल ज़्यादा देखते हैं तो एडिटोरियल पे ही बनाया जाए। सो एडिटोरियल पे ही बनाएंगे, अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन मेरा इरादा अभी इसी पे है बिकॉज कोई देखते तो है नहीं, और फिर कोई देखता ही है तो फिर मैं क्यों ऐसे टाइम खराब करूँ। सो अब ये देखिए चलते हैं अपने आज के एडिटोरियल पर। ये पॉलिटिकल एडिटोरियल है हाईस्ट, तो इस पर डिस्कस अपने हैं इतना नहीं करें बिकॉज पॉलिटिकल जो न्यूज़ है वो कुछ जानी। तो अपना जो एडिटोरियल है आज का वो सही पहले अपन ये जो है डिस्कस करेंगे। तो कोल्ड कंफर्ट, तो थोड़ा सा आराम, तो किस बात पे थोड़ा सा आराम जो है इनको मिला है तो वो देखेंगे। ये बेसिकली एडिटोरियल किसके ऊपर है, पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान को जो ब्लैक लिस्ट में डालना था वो भी डाला नहीं गया है, तो उसके ऊपर जो आर्टिकल है ये कि पाकिस्तान और FATF, सो उसके बीच ऊपर ये पूरा का पूरा आर्टिकल दिया हुआ है फ्रेंड्स। सो देखेंगे इसके बारे में। सो पेरिस बेस्ड 39 मेंबर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। सो पेरिस बेस्ड, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, इसका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। तो 39 मेंबर की ये बनी होती है। अब इन्होंने क्या डिसाइड किया है, इन्होंने डिसाइड किया है कि पाकिस्तान ऑन इट्स ग्रे। तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखेंगे, ये क्यों, बिकॉज इन्होंने इनकी जो डिमांड है वो पूरी नहीं की है। क्या डिमांड थी इनकी, इनकी डिमांड थी कि आप जो है 27 मांग जो है हमारी माने, जो डिमांड है हमारी 27 वो माने आप, जिससे कि आप टेरर जो है कंट्रोल करें, पॉइंट जो 27 पॉइंट एक्शन लिस्ट फुलफिल करें आप, तो इन्होंने फुलफिल नहीं किए हैं, तो इसलिए इन्होंने ग्रे लिस्ट में रखा है। अगर ये बिल्कुल ही फुलफिल ना करते या कोई भी बिंदु पे काम ना करते, जो भी एक्शंस लिए गए हैं, तो इनको पूरी तरह से ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता, किसकी तरफ से, FATF की तरफ से। अगर किसी कंट्री को ब्लैक लिस्ट में डाला जाए तो उसका बहुत ही बुरा जो हाल हो जाता है वो अपने को देखने को मिलता है, बिकॉज वो किसी भी कंट्री से कॉन्टैक्ट नहीं रख पाती और उसकी इकोनॉमी है वो पूरी तरह से जो है डाउन चली जाती है। एक दो जो कंट्री है वो शायद कॉन्टैक्ट रख पाती हैं, लेकिन बेसिकली जो मैक्सिमम जो कंट्रीज हैं वो उसे कॉन्टैक्ट नहीं रख पाती, जिससे कि उसको पूरी तरह से जो अलग थलग कहते हैं अपने, अलग थलग कर देते हैं, सो उसको पूरी तरह से अलग थलग कर देते हैं बाकी ऑल ऑफ द वर्ल्ड से। सो जिससे कि वो पूरा खतरे में आ जाता है जो कंट्री है वो पूरी की पूरी। सो पाकिस्तान के ऊपर अभी ये कंडीशन आई नहीं, पता नहीं कैसे बच जाते हैं ये। सो अब क्या किया है FATF ने, FATF ने किया है इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग। अब जो है मॉनिटरिंग और बढ़ा दिया उन्होंने, रख तो दिया आपको ब्लैक लिस्ट में, लेकिन देखेंगे कि आप काम कर रहे हो या नहीं, या फिर आपने ऐसे ही अभी झूठी तसल्ली दी है कि हम काम करेंगे, तो इसलिए इन्होंने और मॉनिटरिंग बढ़ा दी है। और कंप्लीट करें कमिटमेंट्स, कौन से कमिटमेंट, जो 27 जो टेरर से रिलेटेड जो कमिटमेंट दिए हैं, तो जो 27 कौन से कमिटमेंट है ये अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है 27 जानना, लेकिन अपने को इतना पता है कि ये टेरर से जुड़े हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हैं, बिकॉज जो FATF है वो काम ही नहीं पे करती है। सो इसलिए अपने को ये जानना जरूरी कि ये 27 जो पॉइंट्स हैं ये अपने को इतना जानना जरूरी नहीं है, ये जानना जरूरी है कि FATF क्या है। सो FATF प्रेसिडेंट जो कि मार्क्स प्लेयर हैं, उन्होंने अनाउंस किया है, FATF के जो प्रेसिडेंट है रिसेंट में कौन है, मार्क्स प्लेयर। सो मार्क्स प्लेयर ने कहा है कि ऑल्दो पाकिस्तान हैज मेड सिग्निफिकेंट प्रोसेस, कि पाकिस्तान ने काम तो किया है लेकिन उसके 3 पॉइंट्स अभी भी रिमेनिंग है, उन्होंने 3 पॉइंट्स पे अभी भी काम नहीं किया है, उन्होंने अभी जो टेरर फाइनेंसिंग है उनको कर्ब नहीं किया है पूरी तरह से, बिकॉज अभी भी जो टेरर फाइनेंसिंग है वो चल रही है। अब आपको पता है जैसे कि जनवरी में न्यूज़ आई थी, 1 जनवरी को न्यूज़ आ गई थी, उनको पता है FATF हमारे ऊपर
जो है सैंक्शन और बढ़ा सकता है, हमको ब्लैक लिस्ट में डाल सकता है, हमको बता दी ये बात। उन्होंने हाफिज सईद को पकड़ लिया और एक और उसको पकड़ा था, वो क्या नाम था उसका, मैं नाम भूल गया, लेकिन उनको पकड़ा था और अलकायदा वालों को पकड़ा था कि हाँ हमने गिरफ्तार कर लिया। अब उनको भी लगेगा हाँ ये काम तो कर रहे हैं, तो उसी के ऊपर जो है ये वर्क कर रहे थे। इनका ध्यान था कि अगर हमको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया तो उनको पता है हमारा क्या हाल होने वाला है, तो इसलिए जो पाकिस्तान है वो पहले ही समझ गया। और जो 27 पॉइंट्स हैं उसमें से 3 पॉइंट्स रहते हैं अभी, तो 3 पॉइंट्स पे काम करना बाकी है। टेरर फाइनेंसिंग जो है अभी इस पे काम नहीं किया गया है इतना। तो द बॉडी लिस्टेड द रिमेनिंग टास्क डिमॉन्स्ट्रेटिंग टेरर फंड प्रोसिक्यूशन। सो अभी जो टेरर फंड है उसके ऊपर जो है इन्होंने लगाम लगाई नहीं है। इफेक्टिव एंड डिसुएसिव एंड थ्रूली इम्प्लीमेंटिंग फाइनेंशियल एक्शन अगेंस्ट टेरर डेजिग्नेटेड। जो टेरर जो यूएन सिक्योरिटी ने जो टेरर जो घोषित किए हैं कि हाफिज सैयद एंड मसूद अजहर, यहाँ पे नाम दिए गए हैं आप देख सकते हैं, मसूद अजहर और जो हाफिज सैयद और अलकायदा से जो बिलोंग करते हैं उनके ऊपर जो है ये कर्व करती है, ये जो अपनी ये फाउंडेशन है, ये जो FATF है, सो ये उसके ऊपर जो है काम करती है। सो अब ये क्या है, ये जो नया वर्ड आया है इसके ऊपर जो देखेंगे, सो इस वर्ड का जो है क्या है, डिसुएसिव लगता है, तो मैंने इसको लिखा हुआ है यहाँ पे। सो ये पूरा का पूरा जो बताया हुआ है इसके बारे में, तो डिसुएसिव के बारे में शो नहीं हो रहा, क्या बात है भाई। सो इसको अपने स्किप करेंगे, इसको आप देख सकते हैं। तो इसके बारे में जो है बताया हुआ है पूरा का पूरा डिसुएसिव हो चुका है एंड जो मेजर्स हैं वो लिए नहीं गए हैं फाइनेंशियल एक्शंस के द्वारा। सो ये पूरा का पूरा इसमें बताया हुआ है कि जो मिनिस्टर है रहमान मलिक, उन्होंने इसको प्रोटेस्ट किया था किसके अगेंस्ट, कि जो अपनी काम नहीं किया गया इतना, तो हैग में जो इसका क्वार्टर है कि जो ये अपनी FATF है, FATF के खिलाफ जो है इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। क्यों, बिकॉज कहते हैं FATF मनमानी काम कर रहा है, तो इसको क्या हैग में देखा जाना चाहिए। हैग क्या है, इंटरनेशनल वो कोर्ट ऑफ जस्टिस है ना, ICC, सो ICC को देखा जाना चाहिए इसको, इस केस को ICC में लेके जाना चाहिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट, तो वहाँ पे जो है देखा जाना चाहिए इसको। बिकॉज क्या है कि ये जो है अपने मनमानी काम कर रहे हैं, तो इसलिए बिकॉज इनको जो है नुकसान हुआ है। मेन बात तो क्या है, इनको नुकसान हुआ है कितना, $38 बिलियन का इनको नुकसान हुआ है। 2008 में ये मतलब कि पहले थे इसमें लिस्ट में, ग्रे लिस्ट में थे, और 2015 तक रही, फिर एक दो साल बीच में इनको निकाल दिया गया था, फिर 2018 में फिर से इनको डाल दिया गया, और अभी तक ये जो है इसी लिस्ट में है, ग्रे लिस्ट में। बिकॉज ये जो है टेरर जो एक्टिविटी करते हैं, तो टेरर एक्टिविटी करेंगे तो इनको डाला ही जाएगा इस लिस्ट में, तो ये आपको जो है कंडीशन देखने को मिलेगी। इट इज कॉल्ड कंफर्ट फॉर इस्लामाबाद, ये थोड़ा सा आराम है इस्लामाबाद के लिए। क्या थोड़ा सा आराम है, कि आपको जो है अभी टाइम और दे दिया गया है, 6 मंथ्स और मिले हैं इनको, ये 6 मंथ और मिले कि आप इम्प्रूव कर लो इसमें, वरना जून में जो मीटिंग होगी इनकी, 28 जून, शायद 28 जून को इनकी मीटिंग होगी, तब अगर इन 3 पॉइंट्स पे काम नहीं हुआ तो आप जो है ब्लैक लिस्ट में जाएंगे, ये पक्का है। तो ये बताया गया है FATF की तरफ से, तो थोड़ा सा आराम दिया है, हाँ ग्रे लिस्ट भी छोड़ दिया है इसको। और MX प्लेयर है, MX प्लेयर क्या, जो मिस्टर प्लेयर है सॉरी, सो इन्होंने कहा है एडवाइज पाकिस्तान टू, सो मार्क्स प्लेयर जो है इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को कंप्लीट करें रिमेनिंग पॉइंट्स जून 2021, सो जून से पहले ये जो है कंप्लीट कर लें अपने पॉइंट्स। सो व्हेन द FATF मीट, तो जो आगे वाली जो मीटिंग होगी इनकी जो FATF की है, तब वो वोट करके डिसाइड करेंगे इस इशू को कि क्या किया जाना चाहिए, ब्लैक लिस्ट में रखना चाहिए या फिर ग्रे लिस्ट में रखना चाहिए। तो ये बताया गया है जो MX प्लेयर हैं हमारे, सॉरी MX प्लेयर नहीं है, मार्क्स प्लेयर है हमारे, तो मार्क्स प्लेयर जो प्रेजिडेंट है वहाँ, उन्होंने बताया ये। तो इंडिया एंड पाकिस्तान सिंस 2016, सो ये इंडिया और पाकिस्तान तभी तो ये ऑपरेशंस जो हो रहे हैं, जैसे कि आपने गोलीबारी होती थी, सीज फायर कह रहे थे, तो ये भी इस पॉइंट पॉइंट में जो है शामिल है कि आप सीज फायर जो है जैसे कि टेरर एक्टिविटी रोकें, तो ये टेरर एक्टिविटी इसीलिए रोक रहे हैं, जो आपने देखा होगा कि DGMO अभी 2-3 दिन से न्यूज़
आ रही है कि डीजीएमओज की मीटिंग हुई है कि सीज फायर उल्लंघन नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? पाकिस्तान जो है सीज फायर उल्लंघन नहीं करेगा, तो इसीलिए पाकिस्तान कर रहा है कि हमें ब्लैक लिस्ट में नहीं जाना है एफएटीएफ की, तो हमें ग्रे लिस्ट में एक बार छोड़ दो, बाद में उससे भी बाहर निकाल दो। तो इसलिए जो है पाकिस्तान ये सब एक्टिविटी कर रहा है अपने, वैसे लग रहा है पाकिस्तान सुधर जाए, सुधरा नहीं है वो फिर से बिगड़ जाएगा। देख ये पूरा का पूरा आर्टिकल उसके बारे में जो है दिया गया है। मेनली इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान जो है काम करे टेरर टेरर जो एक्टिविटी है उसके उसको कर्म करे, सो उसके ऊपर जो है पूरा का पूरा बताया हुआ है ये। सो अब चलेंगे अपने आगे वाले एडिटोरियल पे, कौन सा इंपॉर्टेंट। सो ये जो है द वाइटल बट डेलिकेट टास्क, द वाइटल बट डेलिकेट टास्क ऑफ रिवाइविंग द ईरान डील। सो ईरान डील के बारे में दिया हुआ है ये कि ईरान डील को रिवाइव करने का जो प्लान है। तो डेलिकेट क्या होता है? वेरी फाइन टेक्सचर और स्ट्रक्चर, तो ये मतलब उसके बारे में है। तो अब जो ईरान डील है उसके बारे में ये पूरा पूरा दिया हुआ है, तो उसके बारे में अपने देखेंगे। सो क्या दिया हुआ है? सो फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस फेसिंग जो बिडन। तो जो बिडन जो है फॉरेन जो पॉलिसी से रिलेटेड जो चैलेंज जो फेस कर रहे हैं, बिकॉज अब क्या हुआ है, क्रिटिकल देन सॉल्विंग द जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। सो जो JCPOA जो है उसके ऊपर जो है ये चैलेंज फेस कर रहे हैं। क्या हुआ है? अब ट्रंप ने यूनिलैटरली क्या कह दिया था, ट्रंप ने कह दिया था कि हम जो है इस डील से बाहर निकलेंगे। सो ट्रंप जो है पुल कर लिया इस जो डील थी, ये जो डील चल रही थी अपनी JCPOA की। सो JCPOA जो न्यूक्लियर डील थी, सो ट्रंप ने उससे पुल कर लिया। सो अब क्या है, जो जो बिडेन जी हैं वो इसमें जाना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि हम जो है इस डील को रिवाइव करेंगे फिर से। सो यूनाइटेड स्टेट्स लिफ्ट द सेंक्शंस। सो अब क्या करना चाहिए इनको, यूनाइटेड स्टेट्स जो है लिफ्ट द सेंक्शंस इम्पोज बाय द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। और जो ट्रंप के द्वारा जो सेंक्शंस लगाए गए हैं इनके ऊपर, सो आप सबसे पहले उनको हटाने का प्रयास करें, फिर शायद हो सकता है कि बात बन पाए। तो ये बात की गई है। अब इनमें गतिरोध बना हुआ है, क्या गतिरोध बना हुआ है इनके पीछे, कि जो यूएस कह रहे हैं कि हम जो है इसको रिवाइव करेंगे फिर से, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप सैंक्शन हटाओ। कौन कह रहे हैं? ईरान वाले। सो यूएस पॉलिसी रिवर्सल। सो JCPOA वाज द रिजल्ट ऑफ प्रोलॉन्ग जो नेगोशिएशन है, जो JCPOA की जो ये समझौता हुआ था, जो एग्रीमेंट हुआ था, वो किसका परिणाम है, वो काफी लंबी जो बातचीत है उसका परिणाम है 2013 से। सो बिटवीन ईरान एंड P5+1। P5+1 कौन सी कंट्रीज हैं? P5 वो कंट्रीज हैं जो यूएनओ में जिनकी जो स्थायी सदस्यता है, जो परमानेंट सीट्स हैं जिनकी, सो जो वो P5 है। और +1 क्या है? +1 है जर्मनी। जर्मनी इसमें बाद में शामिल हुआ था, इसलिए इसको P5+1 बोला जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा। सो ये बात चल रही है कि ये जो मीटिंग जो एग्रीमेंट हुआ है ये कोई नॉर्मली नहीं हुआ है, इसमें इसके ऊपर जो है काफी बातचीत चल रही है, फिर जाके ये एग्रीमेंट हुआ है। और फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा, उन्होंने ये एग्रीमेंट किया था, उन्होंने डिस्क्राइब किया था इस एग्रीमेंट को कि डिप्लोमेटिक सक्सेस है ये मेरी, काफी उन्होंने ऐसे डिस्क्राइब किया था इसको। मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। फॉर्मर जो यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा डिस्क्राइब द JCPOA एज हिज ग्रेटेस्ट डिप्लोमेटिक सक्सेस। सो इसको डिप्लोमेटिक जो सक्सेस कहा है कि इन्होंने कहा है प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने। ईरान वाज देन एस्टिमेटेड टू बी मंथ्स अवे फ्रॉम एक्यूमुलेटिंग इनफ हाईली एनर्जी। अब इसके अंदर क्या है, जो ईरान है, ईरान जो है वो क्या करता था, वो एनरिच करता था किसका, यूरेनियम का। अब यूरेनियम आपको पता है किसके लिए काम आता है, यूरेनियम काम आता है जैसे जो बम बनाते हैं, आइटम बम जो बनता है, सो उसके ऊपर जो है काम आता है, परमाणु बम जो बनाया जाता है, सो उसके ऊपर जो है काम आता है यूरेनियम, जो कि काफी विनाशकारी हो सकता है अगर कोई एनरिच करे इसका। तो इसलिए जो है इन्होंने मीटिंग की पहले काफी टाइम तक, और फिर मीटिंग के थ्रू इन्होंने कहा कि हम जो है एग्रीमेंट करेंगे आपके साथ, और उस एग्रीमेंट का नाम क्या रखा इन्होंने, JCPOA। तो JCPOA उन्होंने इस एग्रीमेंट का नाम रखा। और फिर इन्होंने क्या कहा कि आप जो है एनरिचमेंट नहीं करेंगे, किसका एनरिचमेंट नहीं करेंगे आप, इसका ये अपने यूरेनियम है, यूरेनियम का जो है आप एनरिचमेंट नहीं करेंगे। सो ईरान ने कहा हाँ ठीक है हम नहीं करेंगे एनरिचमेंट सो इसका। लेकिन फिर बाद में जो है जो
ये अपने ट्रम्प है, ये आपको पता ही है कैसे कर रहे थे। तो ट्रम्प जो है इन्होंने यूनिलेटरली कह दिया कि हम जो है इस डील से जो है बाहर आएंगे, बिकॉज क्या है ये एक तरफा डील है, तो इसलिए इन्होंने ऐसे कह के जो बाहर आ गई। सो अब जो है, अब जो ये अपने यूएस के जो न्यू प्रेसिडेंट बने हैं जो बिडेन, वो कह रहे हैं कि हम जो इस डील में वापस जाएंगे बिकॉज एनरिचमेंट जो है नहीं कर रहे। तो ये जो बातें चल रही हैं, लेकिन जो ईरान है वो कह रहा है कि पहले सेंक्शन हटाओ। सो ये बातें जो है इनकी चल रही हैं। तो अब क्या है, अब JCPO के बारे में बता दिया। अब इसमें क्या है, जो अपने ईरान है, ईरान ने क्या किया, ईरान कह रहा है कि हम बढ़ाएंगे मात्राएं। अब जो 300 kg से भी इन्होंने ज़्यादा बढ़ाएंगे, कहते इससे ज़्यादा बढ़ाएंगे, और जो मिनिमम जो हम रखेंगे, मिनिमम जो हम एनरिचमेंट रखेंगे वो कितना रखेंगे, वो एनरिचमेंट रखेंगे हम 130 MT। तो 130 जो MT हम मिनिमम एनरिचमेंट रखेंगे, और जो ज़्यादा से ज़्यादा है 300 kg जो है करेंगे हम। तो ये बताया है, और इसको भी बढ़ाते जाएंगे। तो ये कि अगर इसको बढ़ाते गए तो ये काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन रेजिंग एनरिचमेंट, जैसे कि पहले इनको था कि आपको कितना करना है, 3.67 जो परसेंट है इतना आप बढ़ा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। अब ये कह रहे हैं कि हम जो है इससे ज़्यादा भी जो बढ़ाएंगे, 4.5 जो है हम बढ़ाएंगे। सो ये इन्होंने कहा है ईरान वालों ने। सो ये बातें जो है ईरान की चल रही है। अब इनका सॉल्यूशन निकल सकता है क्या, कोई सॉल्यूशन निकल सकता है इसका? बिल्कुल सॉल्यूशन निकल सकता है इसका। सो अब क्या है, इवेंट्स इन ईरान। अब ईरान में क्या हुआ, ईरान ने ऐसा क्यों किया, ये अपने जानने का है कि ईरान ने ऐसा क्यों किया। बिकॉज ईरान ने क्यों किया, ईरान जो है जो COVID-19 से काफ़ी इफेक्ट हुआ, ईरान जो है इसके ऊपर COVID-19 का जो काफ़ी इफेक्टेड हुआ। ये क्यों इफेक्टेड हुआ ये, बिकॉज इसकी जो 1.6 मिलियन जो इन्फेक्शंस हैं वो हुए, और 60,000 से ज़्यादा जो डेथ्स हैं वो देखने को मिली, और इसकी इकोनॉमी है वो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो गई, वो कि 7% और 6% से भी ज़्यादा जो है कॉन्ट्रैक्ट हो गई, जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से श्रिंक हो गई इसकी, इसकी ईरान की। सो ईरान जो है वो काफ़ी मतलब ऐसे गरीब टाइप सा हो गया है। तो इसलिए इन्होंने, और काफ़ी केसेस जो अंदर इंटरनल मामले हैं इनके वो चल रहे हैं, जो कि आप पढ़ सकते हैं इनके ऊपर। तो इसीलिए ईरान जो है कह रहा है कि हम एनरिचमेंट करेंगे इसका। तो इसलिए ईरान जो है पावर के लिए एंड जो अपनी जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए सब कर रहा है। तो अब क्या है, अगर इस डील को कम करना है, मान लो इसको अगर आपको सॉल्यूशन निकालना है इसका कोई, तो आपको टॉक्स करनी होंगी। अब ये पढ़ लेना इधर वाला, अब ओवरकमिंग द इम्पास। अब इस डेडलॉक से जो बाहर कैसे आया जाता है, आ सकते हैं अपने जो डेडलॉक चल रहा है बिडेन जी के ईरान और जो अमेरिका के बीच में है। तो अब इससे बाहर कैसे आया जा सकता है, बिडेन जो एडमिनिस्ट्रेशन हैज मेड ए गुड स्टार्ट बाय अपॉइंटिंग। तो बिडेन जी ने है एक गुड स्टार्ट किया है, किसके लिए, कि इन्होंने अपॉइंट किया है रॉबर्ट माले को। रॉबर्ट माले जो है वो कौन है, वो काफ़ी अच्छे मतलब कि ऐसे कहे जाते हैं डिप्लोमेट है, एनवॉय है अब इसके ईरान के। सो ईरान ईरान को जो एनवॉय है इसको जो इन्होंने ये भेजा है वहाँ पे दूत बनाकर, तो जो कहते हैं अपने एम्बेसडर। तो रिलीज ऑफ यूरोपियन एंड अमेरिकन नेशनल करेंसी करेंटली इन कस्टडी। सो जो जो रिलीज है वो करें, जैसे कि अमेरिकन नेशनल्स जो हैं उनको रिलीज करें आप, और जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, मेन बात ये है कि आपको क्या करना है, यूएसए को कहा है कि यो जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उससे आप इनको फंड दें। किनको फंड दें, ईरान को, ईरान को फंड दें आप COVID-19 रिलीफ फॉर वैक्स सप्लाई ऑफ वैक्सीन अंडर अंडर द इंटरनेशनल कोवैक्स। सो जो वैक्सीन भी दें आप, और जो इंटरनेट जो मॉनेटरी फंड है वहां से आप क्या दें, रिलीफ फंड दें। सो तब जो है सॉल्यूशन निकल सकता है, इस इशू से बाहर आया जा सकता है, डेडलॉक नहीं बनेगा। तो ये जो कंडीशन दी गई है, तो इस इशू के बारे में आप एक बार पढ़ लें, मैंने इसका जो है पूरा बता दिया है वैसे अप्रोक्स। सो अब जो चलेंगे अपने आगे वाले एडिटोरियल पर जो इम्पोर्टेंट है। सो अब आगे वाला जो एडिटोरियल देखते हैं, कोल्ड कम्फर्ट पढ़ चुके हैं हमने। सो एक पेज नंबर 7 पे जो एडिटोरियल है, एन अनयूजुअल न्यू मीडिया कोड। तो इसमें जो ऑस्ट्रेलिया का जो न्यू मीडिया कोड आया है, तो उसके ऊपर जो बात की गई है पूरी की पूरी, ऑस्ट्रेलिया जो पार्लियामेंट है उन्होंने पास किया है, क्या पास किया है, मीडिया बिल। सो
मीडिया बिल पास किया है इसके लिए, गूगल और जो फेसबुक है उनके ऊपर लगाम लगाने के लिए। अब इन्होंने, ऑस्ट्रेलिया वालों ने ये बिल तो पास कर दिया, अब इसके ऊपर जो है पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी बताई गई है कि क्या बात है, क्यों पास किया है इन्होंने ये बिल। अब मैं बता देता हूँ आपको, अब मैं आपको ये पूरा का पूरा जो स्टोरी जो इसमें बताया हुआ है वो बता देता हूँ आपको। अब इसमें क्या बताया हुआ है, इसमें बताया हुआ है कि जैसे अब COVID-19 का जो क्राइसिस है उसमें तो मतलब सभी इफेक्ट हुई है, कंट्री जितनी भी हैं, अब कोई क्या कर रही है, कोई क्या कर रही है, कंट्री अपने अपने जो इंटरेस्ट के लिए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए। सो अब क्या हुआ है, अब ये बिल क्यों लेके आए हैं, बिकॉज जो इंडिया, जो ऑस्ट्रेलिया की जो ये मार्केट है ना वो 70% किस पे मतलब कि निर्भर है, ये 70% इस पे है कि जो मीडियाज है, प्रिंट है, न्यूज मीडिया है, इसके ऊपर जो है लगती है। तो अब इन्होंने क्या कहा कि हाईटेक अगर लेना है हमको तो इसके ऊपर काम करना होगा, इनके ऊपर डायरेक्ट तो ये काम कर नहीं सकते, डायरेक्ट इनके ऊपर काम नहीं कर सकते ये। और लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने गूगल और फेसबुक है, तो गूगल और फेसबुक क्या करते थे, गूगल और फेसबुक जो कंटेंट यूज करते थे, इसका कंटेंट यूज करते थे, ये जो अपने मीडियाज हैं, लोकल मीडिया है, इनका कंटेंट यूज करते थे। तो इन्होंने क्या क्या किया, अभी भी करते हैं, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि आप पे करेंगे, ऑस्ट्रेलियन जो गवर्नमेंट है इन्होंने कहा कि आप पे करेंगे। पे किसको करेंगे, आप जो वहाँ के लोकल पब्लिशर हैं उनको आप पे करना है, उनको आप पेमेंट देंगे उनको। तो उनकी पेमेंट, अगर उनको पेमेंट बढ़ेगी तो टैक्स जो है आपको पता है वो बढ़ ही जाएगा, तो टैक्स बढ़ेगा। सो इस जो है पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने ये सारा का सारा काम किया है। तो ये आप जो है देख सकते हैं पूरा का पूरा जो काम इन्होंने किया है। तो ये जो सारा का सारा कॉन्स्पिरेसी जो चल रही है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल इसी के ऊपर बताया है, जो इसी के ऊपर मैंने कॉन्स्पिरेसी इसकी बता दी है इसको आपको। सो ऑस्ट्रेलिया की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर ये पूरा का पूरा मीडिया बिल लेके आए, ऐसे ऑथर कह रहे हैं ये। सो इसमें लिखा है ऐसा। अब चलेंगे अपने आगे वाले जो आर्टिकल है, मास्टर एंड द रोस्टर। सो मास्टर एंड द रोस्टर, आपको पता है रिस 2 साल पहले क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज कौन से, जो रंजन गोगोई है, उन पे मामला जो एक एलिगेशन लगा था सेक्सुअल हेरासमेंट का। सो उसके ऊपर जो बताया गया है पूरा का पूरा ये, तो कि क्या करना चाहिए, क्या रिफॉर्म्स जो हैं हमें करने चाहिए, तो जुडिशियल रिफॉर्म्स के बारे में जो है बताया गया है, तो ये आप देख सकते हैं। और कॉलेजियम सिस्टम के बारे में देखें तो जिससे कि आपको थोड़ा सा पता लगे। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव ए नाइस डे, एंड वीडियो को देखा करें, अगर कोई कमी है मेरे में तो प्लीज़ बता दें।